चैनल की टीम इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समरोली पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है, पूरा का पूरा पहाड़ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि ये हाईवे जो है शाम तक खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी की ताज़ा अपडेट आपको हम बता दें कि अभी ही कुछ देर पहले यहाँ समरोली के पास पूरा का पूरा जो है पहाड़ जो है पूरे हाईवे पे आ गया है। और आप देख सकते हैं पूरे पूरे पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर जो है नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। वहीं मशीनरी जो है लगातार इसको क्लियर करने में लगी हुई है, चाहे इसमें ट्रैफिक अथॉरिटी के लोग हों या फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 4 लेनिंग पे काम कर रही गैमन इंडिया कंपनी हो, सब के सब जो है जुट चुके हैं कि जल्द से जल्द जो है हाईवे जो है खोला जाए। अगर जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं रोड पे आ गए हैं, इस तरह से अगर लगातार काम चलता रहा तो कल सुबह या फिर शाम तक जो है ये हाईवे जो है खोला जाएगा। एक्सपेक्टेड था कि ये शाम को 5 बजे तक खुल सकता था, लेकिन 4 बजे दोबारा बड़े बड़े बोल्डर जो आप पीछे देख सकते हैं दोबारा बोल रहे हैं। अब जो कंपनी इसका क्लियरेंस का काम करवाती है उनसे हमने बातचीत की तो कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तक ये रोड खुल पाएगा। सर ये बताएं काफ़ी लोग जो है वो पट्टी टॉप के लिए बाकी जगह पे सिद्ध करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए उनको हम यही कहेंगे कि जब तक रोड ये थ्रू नहीं होता तब तक अपना ट्रैवल ना करें, जो जो अपना डेस्टिनेशन है वहीं पर रहें, क्योंकि बारिशों की वजह से रोड का कंडीशन ठीक नहीं है और किसी जगह भी पसी पड़ सकती है। ये जो मड स्लाइड है इसको मुआयना करने से क्या लगता है कि और ये जो बीच में फंसे हैं बोल्डर ये भी नीचे आने? देखिए मतलब इस हम जब इस एरिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है क्योंकि पानी काफ़ी है ज़मीन के अंदर और जगह काफ़ी ढीली हो गई और ये नीचे उतर सकने का काफ़ी मैक्सिमम चांसेस हैं कि नीचे उतर सकते हैं। कल सुबह तक 10 बजे लोग पहले हमारे कंट्रोल यूनिट से टाई अप करें और जब क्लियरेंस का पता लगे तभी अपना सफ़र शुरू करें। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड़ियाल, बहु एक्सप्रेस न्यूज, समरोली नेशनल हाईवे। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।